हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन सेमी ग्रेवी। ये ग्रेवी हम बिना टमाटर के बनाएंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लें। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन 8 से 10, लौंग 6, काली मिर्च, जीरा, सौंफ आधा छोटा चम्मच, अदरक 4 टुकड़े। सारे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से पीस लें। हम इस रेसिपी में 2 बड़ा चम्मच ये पेस्ट यूज करेंगे। आप बचे हुए पेस्ट को बिरयानी रेसिपीज में यूज कर लें। अच्छी तरह से पीसने के लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स थोड़ी अधिक मात्रा में ली है। मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में ले 300 ग्राम चिकन, आधा छोटा चम्मच नमक, 5 कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच तेल, 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज। हम ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़ा प्याज यूज कर रहे हैं, उसका 1/4 भाग यहाँ यूज कर लें। अब डालें 1 बड़ा चम्मच दही और अच्छे से मिला लें। कवर करके 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। अगर आपके पास मैरिनेट करने के लिए टाइम नहीं है तो इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके यूज करने तक रख लें। ग्रेवी बनाने के लिए मध्यम फ्लेम पर पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लें। तेल के गरम होते ही इसमें डालें 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी, 1 चक्रफूल और 20 सेकेंड के लिए भून लें। इसमें डालें 2 कटे हुए प्याज और इनके थोड़े ट्रांसपेरेंट होने तक पका लें। अब डालें मैरिनेट किया गया चिकन मिश्रण और अच्छे से मिला लें। कवर करके 15 से 20 मिनटों तक पका लें। अब आप देख सकते हैं कि चिकन पीसेस से पानी निकल आया है। अब डालें पानी। अपने पसंदीदा कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड कर लें। सीजनिंग चेक कर लें और अगर ज़रूरत पड़ी तो नमक डाल लें। कवर करके ग्रेवी में प्याज के पूरी तरह से गलने तक पका लें। ग्रेवी के किनारे से अब तेल उबर कर आ गया है। धनिया पत्ते से गार्निश कर लें। अब स्टोव को स्विच ऑफ कर लें। चिकन सेमी ग्रेवी तैयार है। इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होती है। आप इसे रोटी या बिरयानी के साथ सर्व करें। बोनलेस चिकन की तुलना में बोन चिकन ग्रेवी में फ्लेवर और स्वाद देता है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी चिकन यूज कर लें। जितनी देर तक आप चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना ही इसमें डाला गया दही चिकन को सॉफ्ट बनाता रहेगा। अगर आप चिकन को 30 मिनट से ज्यादा देर तक मैरिनेट कर रहे हैं तो इसे फ्रिज में रख लें। पकाने से पहले रूम टेम्परेचर पर ला लें। बिना टमाटर के ये ग्रेवी बनाने के कारण इसमें डाला हुआ प्याज ही ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा बनाता है, इसलिए कवर करके प्याज के पूरी तरह से गलने तक पका लें। ग्रेवी में और स्वाद और फ्लेवर मिलेगा। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पीसते वक्त ही काली मिर्च ऐड की है, सो आप चाहे तो ग्रेवी में इसकी मात्रा कम कर लें। आप इस रेसिपी के तीखेपन को कम करने के लिए लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च की मात्रा एडजस्ट कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।